हेलो फ्रेंड्स, देखो आज हम लोग रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स में एक क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस को एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहा जाता है। देयर आर फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ operations are called elementary operations or e operations. देखो, there are following three types of operations are called elementary operations. तो first में हमारा क्या होती है, फर्स्ट में क्या होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को हम लोग जो इंटरचेंज करते हैं या इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस कहलाता है। तो क्या फर्स्ट में क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में क्या है हमारा, कोई दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करें। तो देखो, सिंबॉलिकली इफ वी इंटरचेंज आईथ एंड जेथ, देखो यहां से क्या है हमारा, तो इफ वी इंटरचेंज आईथ एंड जेथ रो, देन सिंबॉलिकली वी राइट इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, आर आई टेंड्स टू आर जे एंड आर जे टेंड्स टू आर। तो अगर हम लोग कोई दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये ऑपरेशन हमारा ये है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये क्या है, 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो हमारा क्या होती है, अगर हम लोग कोई भी दो रो को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे तो इसके लिए अप्लाई करेंगे R2 tends to R4 and R4 tends to R, तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, दो रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे, तो देखो R2 और R4 को इंटरचेंज किए तो ये वैसे ही रह गया, R2 के प्लेस पे MNOP हो गया, IJKL हो गया, और ये कैसी हो जाएगी हमारा, इसके प्लेस पे GH हो जाती है। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या होता है, किसी भी दो रो को या कोई भी दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन देखो, क्या है सेकंड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नॉन जीरो नंबर। तो क्या कहता है कि हमारा किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जितने भी एलिमेंट हैं उसको कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, इफ वी मल्टीप्लाई इच एलिमेंट ऑफ आईथ रो बाय ए नॉन जीरो नंबर के Then symbolically, we write, इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसा,
आर आई टेंड्स टू के आर आई। जैसे एग्जांपल में कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, एग्जांपल में क्या है, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो, तो लेट ए इक्वल टू, ए इक्वल टू कोई भी एक मैट्रिक्स हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी के एल, 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें अगर आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो किसी भी रो को क्या कॉलम को, अप्लाई आर थ्री फाइव आर थ्री फाइव आर थ्री फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो उसमें क्या होती है कि ये थर्ड रो के थर्ड रो में जितने भी एलिमेंट हैं उसमें ये फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सेकेंड ऑपरेशन है कि आपको किसी भी हमारा रो में, किसी भी रो में हमारा किसी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ऑपरेशन क्या कहता है हमारा, थर्ड जो ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नॉन जीरो नंबर एंड देन एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो क्या करता है इसमें, इसको समझो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स के रो या कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नॉन जीरो नंबर से, एंड देन एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अदर रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स। सिंबोलिकली क्या ऐसे होगा, जैसे अगर हम लोग इफ बी मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ jth रो बाई ए नॉन जीरो नंबर ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड देन एडिंग टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो, देन सिंबोलिकली वी राइट इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, आर आई टेंड्स टू, ये कैसे हो जाएगी हमारा, आर आई टेंड्स टू आर आई प्लस के आर जी, एड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे इस अप्लाई होती है। एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स लें, जैसे लेट ए इक्वल टू किसी भी ऑर्डर का लें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लें, अप्लाई करो, जैसे अप्लाई क्या हो जाएगा, आर टू प्लस फाइव आर थ्री, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा, ए बी सी डी हो जाएगा, आर थ्री तो वैसे ही रह जाएगा, आई जे के एल हो जाएगा, आर टू में क्या हो जाएगा, फाइव आर थ्री, तो ई प्लस फाइव आई हो जाएगा, एफ प्लस फाइव जे हो जाएगा, जी प्लस फाइव के हो जाएगा, एच प्लस फाइव, तो इस तरह से ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोला जाता है। देखो नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स डेफिनेशन देखो क्या कहता है कि ए मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेंड फ्रॉम यूनिट मैट्रिक्स बाय ए सिंगल ई ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज कॉल्ड
एलिमेंट्री मैट्रिक्स और ई मैट्रिक्स, ये क्या कहलाता है, ई मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल में क्या होगा हमारा, तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एक i3 इक्वल टू ये, अब इस पे एक आप सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करो, कोई भी एक, जो तीन हमारा जो डिस्कस किए थे उसमें से कोई एक प्रॉपर्टी, तो जैसे अप्लाई कर दिया मैंने, अप्लाई R2 माइनस 5 आर, तो इससे जो ये मैट्रिक्स आया ना, इससे जो कन्वर्ट हो गया सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये कैसे होगी, 1 0 0 0 1 माइनस 5 0 0, तो यही क्या हो जाती है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो जाती। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स वो होती है कि जो सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलती है उसको हम लोग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। देखो इसमें क्या करते हैं, टू शो दैट एवरी एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेंड बाय प्री मल्टीप्लीकेशन विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो वी शैल प्रूव दिस बाय कंसिडरिंग, देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, वी शैल प्रूव दिस बाय कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल, कंसिडरिंग एन एग्जाम्पल, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो जैसे एक एग्जाम्पल ए लो, समझना इसको, कहता है कि जैसे अगर कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई, जैसे सपोज हम लोग क्या करते हैं, R2 R2 प्लस 3R3 3R3, इससे हमको एक नया मैट्रिक्स बी मिले, इससे हमको नया मैट्रिक्स बी मिले, ध्यान से देखिए, तो 1 4 2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 2 प्लस 3 इंटू 3 7 प्लस 3 इंटू 8 1 प्लस 3 इंटू 4, और 3 8 4, तो ये चीज 1 4 2 हो जाएगी, 9 इंटू 11 हो जाएगी, 24 7 31, 12 और 1 13 एंड 3 8 4 3 8 4। तो क्या कहता है कि अगर हमारा जैसे ये मैट्रिक्स बी मिला ना, बी मिला हमारा, ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स बी है ये हमको सेम मैट्रिक्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिला, तो ये 3 ऑर्डर का है, तो वी है i3 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सेम ऑपरेशन अप्लाइंग R2 R2 प्लस 3 R3, तो ये मैट्रिक्स E हो जाएगा, 1 0 0, R2 में 3 R3 हो जाएगा, 0 1 3 हो जाएगा, 0 0 1। तो थ्योरम क्या कहता है, अब थ्योरम का स्टेटमेंट, अगर कोई भी मैट्रिक्स पे, किसी भी मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, तो ये जो मैट्रिक्स बी आई ना हमारे, ये जो मैट्रिक्स बी आ रही है हमारे, ये इक्वल होगा, वी शैल सो दैट अगर हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, तो ये मैट्रिक्स ए में प्री मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर मैट्रिक्स ए में प्री मल्टीप्लाई कर दोगे इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स से, तब वो इक्वल होगा, और इनकेस ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो ये इक्वल होता है पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। तो देखना यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो, अगर हम लोग चूंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन किए थे, तो मैट्रिक्स ए में करस्पॉन्डिंग ई एलिमेंट्री मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आ जाएगा, तो वी हैव ई ए इक्वल टू, तो ई की वैल्यू कितनी थी, 1 0 0 0 1 3 0 0 1, और ए की वैल्यू कितनी है, ए थी हमारा 1 2 3 4 7 8 2 1 4, मल्टीप्लाई करके देखना तो ये आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 1 into 1 plus 0 into 2 plus 0 into 3 0 into 7 plus 0 into 8 1 into 2 plus 0 into 1 plus 0 into 4 0 into 1 plus 1 into 2 plus 3 into 3 हो जाएंगे, 0 into 4 plus 1 into 7 plus 3 into 8 0 into 2 plus 1 into 1 plus 3 into 4 हो जाएंगे,
और ये कैसी आ जाएगी, 0 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 3 आ जाएगी, 0 × 4 प्लस 0 × 7 प्लस 0 × 8 आ जाएगी, 0 × 2 प्लस 0 × 1 1 × 3। इस केस में इसको सॉल्व करोगे, इस केस में इसको देखना सॉल्व करके तो देखो बी ही आ जाएगी। तो देखो ये 1 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 11, 11 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 4 31 8 हो जाएगी, 12 34 हो जाएगी, ये कैसा हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ग्रेट। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो ये इक्वल होता है प्री मल्टीप्लीकेशन विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन होता है, एक हमारा उधर रहता है। देखो इसमें क्या कहता है, द रैंक ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। अगर ए कोई मैट्रिक्स है और ए उसकी ट्रांसपोज है तो दोनों की रैंक क्या होगी, सेम होगी। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का रैंक और उसके ट्रांसपोज का रैंक सेम होता है, तो ये कैसी होगी, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एम बाई एन बी एनी मैट्रिक्स, बी एनी मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर, ऑफ रैंक आर, रैंक आर। लेट एडास डिनोट्स इट्स ट्रांसपोज, ये क्या डिनोट करता है ट्रांसपोज, देन एडास इक्वल टू ये क्या हो जाएगी ए आई जे एम बाई एन हो जाएगी, एंड दिस इज बी जे आई एन बाई एम हो जाती है, वेयर बी जे आई इक्वल टू ए आई जे हो जाती है, बी जे आई इक्वल टू ए आई जे। लेट स्मॉल एस बी द, लेट स्मॉल एस बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए डैश, देन वी शैल शो दैट, देन वी शैल शो दैट आर इक्वल टू एस। देखो अगर मैट्रिक्स ए की, अगर मैट्रिक्स ए की रैंक हमारा, अगर अगर मैट्रिक्स ए की रैंक आर है तो डेफिनेटली हमारा एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स लो, स्क्वायर सब मैट्रिक्स लो हमारा कितना ऑर्डर का, हमारा आर प्लस वन ऑर्डर का। तो लेट ए नॉट बी एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स, स्क्वायर सब मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन फ्रॉम मैट्रिक्स ए डैश। ठीक है, एक हमारा स्क्वायर सब मैट्रिक्स लो जिसके ऑर्डर आर प्लस वन है हमारा। लेट यहां से क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो लेट बी नॉट ले सॉरी लेट हमारा बी नॉट ले बी नॉट बी एनी स्क्वायर, तो देन ये तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारा क्या होती है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, वी नो दैट इफ वी इंटरचेंज, ऐसे भी लिख सकते हैं इफ वी इंटरचेंज रोज इंटू करस्पॉन्डिंग कॉलम और कॉलम इंटू करस्पॉन्डिंग रोज, कॉलम इंटू करस्पॉन्डिंग रोज करस्पॉन्डिंग रोज, देन द वैल्यूज ऑफ then the value of determinant remains unaltered. So, therefore क्या हो जाएगा, determinant of a not level, ये हमारा क्या हो जाता है determinant of a not dash equal to determinant of a not होगा। तो अगर चूंकि मैट्रिक्स ए का रैंक आर था, तो सिंस rank of matrix A is R, so therefore determinant of every square submatrix
स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन इज जीरो, तो सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इक्वल टू जीरो। तो ये क्या शो करता है? ये शो कर रहा है कि दिस शोज दैट द सेंस डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन ऑफ मैट्रिक्स ए डैश इज जीरो। इसका मतलब यह हो गया कि देयरफॉर रैंक ऑफ ए डैश इज लेसर इक्वल टू आर और एस इज लेसर इक्वल टू आर। इसी तरह से हम लोग उल्टा प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली वी शैल शो दैट आर इज लेसर इक्वल टू एस फ्रॉम वन एंड टू वी गेट आर इक्वल टू एस। ठीक है।